हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो बिल्कुल, अपनी 10 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी, उसका आज अगला पार्ट लेके आया हूँ। और इसमें हम राजस्थान जीके की जो जितनी भी पिछले एग्जाम हो चुके हैं उनसे रिलेटेड जो उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं वो लेके आते हैं, ठीक है। तो आज हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आज 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनका विश्लेषण साथ में करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको राजस्थान सरकार की किसी भी वैकेंसी रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी सूचना हो, कोई भी रिजल्ट हो, सब सारी अपडेट सर्वप्रथम उपलब्ध करवा दी जाएगी। और साथ में आप राजस्थान जी के भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई थी, यानी कि राजस्थान जो इको टूरिज्म पॉलिसी है वो कब लागू, 2021 में, 2022 में, 2020 में और 2019 में। तो राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी है वो अपने 2021 में लागू हुई थी। अगर महीना पूछ ले तो आपको जुलाई याद रखना, ठीक है। हालांकि सन भी याद रखे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुलाई 2021 में क्या कौन सी पॉलिसी लागू हुई, तो राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू हुई, ठीक, जुलाई 2021। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, कोटा में, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। बिल्कुल, अपने राजस्थान में एक ही रेलवे मंडल का मुख्यालय है और वो है उत्तर पश्चिमी, तो इसका मुख्यालय अपने जयपुर में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की, नारायणी देवी वर्मा, अंजना चौधरी, रतन शास्त्री और शांता त्रिवेदी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर है दोस्तों नारायणी देवी वर्मा ने भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला है मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेरवाड़ा से हुआ, बारापाल, कोटड़ा या रिखभ देव। तो जो 1881 का भील विद्रोह है वो है बारापाल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। दस्तूर कोमवार क्या है, ये एक शिलालेख श्रृंखला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई पूछ ले दस्तूर कोमवार क्या है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये क्या है, एक शिलालेख की श्रृंखला है, महत्वपूर्ण शिलालेखों की क्या है, एक श्रृंखला है जिसमें कहाँ का वर्णन मिलता है, जो अपने राज्य थे राजस्थान के उनमें से कौन से राज्य का वर्णन मिलता है, तो इसमें वर्णन मिलता है दोस्तों जयपुर राज्य का। बिल्कुल, जो दस्तूर कोमवार शिलालेख है उसमें जयपुर राज्य का वो है वर्णन मिलता है। अब है कि जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1881 की संधियाँ हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने जो राजपूताना इन राजस्थान में जो संधियाँ हुई अंग्रेजों को 1818 से स्टार्ट हुई थी, और उस टाइम जो अपना भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और अपने जो राजस्थान में जो राजपूतों से संधियाँ की थी वो अधिकारी कौन था, तो वो अधिकारी था चार्ल्स मेटकॉप। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉप। इसने ही राजस्थान के सभी राजाओं से क्या की थी, सहायक संधियां की थी, और उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रजामंडल से संबंध नहीं रखते। तो जमना लाल बजाज बिल्कुल जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है, जयनारायण व्यास जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है, और गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल से हैं, लेकिन गोविंद गुरु है वो कोई भी प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा गोविंद गुरु, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था। बिल्कुल, खातौली का युद्ध कब हुआ था, 1517 में, 1517 थी या 1417 थी, बिल्कुल दोस्तों एक मिनट, सॉरी, हाँ तो बिल्कुल 1517 में हुआ था, एक मिनट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बिल्कुल 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, बूंदी में, खातौली का है तो बूंदी में 1517 में युद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ, तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है, जो चित्तौड़ मेवाड़ के साथ से कौन थे, राणा सांगा थे और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के मध्य खातौली का युद्ध है वो बूंदी में 1517 में हुआ, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर है
वो देश में स्थित है, कहाँ पर है? तिलवाड़ा में, कोड़ू में, जैल में, करनाल में। तो बिल्कुल मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा में है। तिलवाड़ा कहाँ पर है? तो तिलवाड़ा है अपने बाड़मेर में, ठीक है। तो मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा में, लूणी नदी के तट पर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि आना सागर का निर्माण किसने करवाया? तो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, अजयपाल ने, अजयराज ने, अर्णोराज ने या जगदेव ने। तो आना सागर झील है उसका निर्माण बिल्कुल अर्णोराज ने करवाया। तो ये आना सागर झील अपने अजमेर में, और अर्णोराज ने इसका निर्माण है वो करवाया था। अर्णोराज को आना जी भी कहते हैं, इन्हीं के नाम पर इनका आना सागर नाम है और झील का पड़ा, ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।